मेरा नाम है विपिन, और या मिश्रा जी बोलिए, या विपिन बोलिए, या फिर जस्टफुल बोलिए, या फिर जस्टफुल विपिन बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपके लाइफ से रिलेट करता हो। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि थ्री ई फॉर्मूलाज जो कि हमें डिसाइड करती है हमारे लाइफ में कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फैक्टर्स जो कि हमें डिटरमाइन करते हैं हमारे एटीट्यूड के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे पहला कि क्या आप ये समझते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड यानी कि जो हमारा नज़रिया है वो छोटे पर से ही विकसित होता है, या फिर वो जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे वो विकसित होता चला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ये भी बताएँ कि ये थ्री फॉर्मूला से आपका बेनिफिट होने वाला है या नहीं। तो अक्सर हम सुनते चले आते हैं कि फैक्टर्स जो हैं एटीट्यूड, हम लोग बोलते हैं कि उसके यार उसके पास बहुत बड़ा एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड में रहता है रहती है या जो भी है। तो रियल मीनिंग क्या पता है आपको एटीट्यूड का? एटीट्यूड का मतलब अगर मैं बोलूँ सिंपली सिंपल वर्ड में तो हमारा देखने का नज़रिया, जैसे मैं किसी काम को लेकर के किस नज़रिए से देखता हूँ, किस आदमी के साथ मेरा क्या एक नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मैं क्या चीज़ें गेन करता हूँ अपने लाइफ में, इस चीज़ को बोलते हैं नज़रिया। और एटीट्यूड और ईगो में, ये दोनों में बहुत अंतर है। एटीट्यूड में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप कैसे देखते हो, लेकिन ईगो जो होता है ईगो में बहुत अंतर है। आपको भी पता होगा कि ईगो का मतलब ये होता है कि आप ही हो, आपके जैसा कोई नहीं है, बन नहीं सकता या मेरे से आगे कोई ना जा सके, इसको बोलते हैं ईगो। तो थ्री ई फॉर्मूलाज में आपको थ्री टिप्स देना चाहूँगा। थ्री टिप्स ये है, नंबर वन कि आपका ई का मतलब होता है आपका एजुकेशन, दूसरा आपका होता है एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन इज़ आपका एनवायरनमेंट, या फिर मैं ऐसे बोलूँ एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये थ्री बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर इस तीनों में से अगर कोई भी गड़बड़ है तो हम अपने लाइफ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आप चाह करके भी वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो चीज़ें आपको करनी है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इट मींस कि आप कुछ काम करना चाहते हो, अगर आप अलग अलग लोगों से मिलोगे नहीं, आप पॉजिटिव लोगों से मिलोगे नहीं, तो कैसे आप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थर्ड एजुकेशन, जब आप के पास इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन होगा ही नहीं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कब की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो जाहिर बात है कि थोड़ा सा डाउन होगा, और आपका जो ये थ्री ई है वो अनबैलेंस्ड होगा और आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ डिटरमाइन करती है, और एटीट्यूड भी मायने रखता है। फैक्टर्स डैट डिटरमाइंड एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड का ही फार्मूलाज मैं दे रहा हूँ, जो जिसका नाम मैंने रखा था थ्री ई फार्मूलाज, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थ्री ई फार्मूलाज, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, दैट फार्मूलाज दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंट। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट में आपका जैसे लाइक स्कूल, आपका होम, आपका कल्चर, आपका रिलीजियस ट्रेडिशंस जो भी हैं, अगर इसमें इंक्लूड करें तो अगर इनमें इन्वायरमेंट में अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस आती है, जैसे अगर मैं अशोक चक्र की बात करूं तो अशोक चक्र में से अगर एक भी पहिए के व्हील को यानी कि जो रिंग होता है अगर उसको मैं निकाल दूं, रिंग यानी कि जो उसके पहिए होते हैं उसमें से एक भी अगर मैं निकाल दूं, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये थ्री ई फार्मूलाज डिसाइड करता है कि हमारे लाइफ में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर वहाँ के लोग अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर नेगेटिव के साथ रहोगे तो नेगेटिव बनोगे, अगर पॉजिटिव के साथ रहोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आपके अंदर एक इंथुजियाज्म होगा, आप इंथुजियास्टिक होगे हर काम को लेकर के। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं है तो आप वही कहोगे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और दूसरा मैंने बात किया एक्सपीरियंस, जब हमें इन्वायरमेंट अगर हमें अच्छा मिल जाता है तो हमारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ,
हमें एक्सपीरियंस किस सेंस में बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस इस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर हम जब तक अलग अलग लोगों से मिलेंगे नहीं, अलग अलग बातें नहीं करेंगे, हम जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, अलग अलग लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और जब एक्सपीरियंस होगा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जो क्रिएटिविटी है वो निखर करके आएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन इनफॉर्मल में ले रहे हैं या फॉर्मल में, एजुकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि शिक्षा का आज के डेट में क्या महत्व है। तो ये चीज़ें थी जो कि मिश्रा जी ने अभी इस जस्टफुल विपिन बोलो या फिर विपिन बोलो जो भी मैंने शेयर किया। तो आई होप कि अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड जय बिहार।